अपना ज़ाती फ़ैसला है कि मैं ये बापर्दा रहूँगी और आइंदा जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसी तरह रहूँगी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। पिछले अल्लाह पाक मेरे गुनाह माफ़ करे जो मैंने किया, मुझे अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, अब दे दी, और मैं इससे किसी को पाबंद नहीं कर रही हूँ कि नुसरत सहर अब्बासी कह रही है कि नहीं मैंने ये किया है तो आप भी करें। ना 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 ना, ये आपका और अल्लाह का मामला है। मैं उन तमाम खवातीन से जो मुझे सुन रही हैं, वो पॉलिटिशन हो, वो किसी भी प्रोफेशन से हो, आम औरत हो या किसी इदारे में काम करती हो, ये अपने अंदर अल्लाह की तरफ से कोई एक चीज़ आती है। और देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ ना, मैंने इतना बड़ा जो कदम लिया है वो इतना आसान तो नहीं था ना, नहीं था ना। यानी एकदम से नुसरत सहर अब्बासी मतलब मेकअप करना, फैशन करना, बाहर निकलना और एकदम से अपने आप को फुल इस तरह ढांप लेना, तो ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन आसान अल्लाह करवाता है, वो जब दिल में डाल देता है तो फिर दुनिया की परवाह नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मरना है। आप सबको पता है हमें मरना है, हमें नहीं पता कि हमारा मौत किस वक्त लिखी है। बाहर निकले, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है मेरी रूह कब्ज़ हो जाए और मैं ही गिर जाऊँ। तो आखिरी वक्त जो आप बात कर रहे हो या कोई अमल कर रहे हो, तो मैं तो ये समझती हूँ, आप फील करती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैं ये फील कर रही हूँ तो हो सकता है ये मेरा आखिरी लम्हा है, मुझे नहीं पता। ये अल्लाह ताला को पता है, लोहे कलम में अल्लाह ने लिख दिया है। हाँ, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें लंबी ज़िंदगी दे, हम कुछ काम कर सकें, अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें।